हेलो गाइस, क्या हाल चाल। हम लोग आ चुके हैं वापस से एक और सिटी स्काईलाइन 2 के एपिसोड के साथ में। सो गाइस, अपनी सिटी के अंदर पॉपुलेशन हो चुकी है करीब करीब 7700 पॉपुलेशन हो चुकी है और आज अपन पॉपुलेशन कर देंगे गाइस 8000। और लास्ट टाइम मैंने ना रोड बिल्डर के ऊपर वीडियो बनाया था, अगर तुमने नहीं देखा तो जाके देख लेना, और नए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना। आज का एपिसोड अपना स्पेशल होने वाला है क्योंकि एक तो ये वीडियो आया जो अपना काफी बड़े दिनों बाद, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी था। अब भी कंटिन्यू मैं ट्राई करूंगा डालने का। सो आज अपन अपनी सिटी को थोड़ा इंप्रूव करेंगे, काफी सारी चीजें हैं जो मेरे को तुमको बतानी है, प्लस लास्ट टाइम के बाद में काफी सारे गाइस अपडेट्स भी आ चुके हैं मोड्स के भी, गेम्स के अंदर के भी, तो उन सब पे अपन चल के थोड़ा डिस्कस वगैरह करेंगे। अभी तो मैं जा रहा था गाइस गाड़ी को फॉलो करते हुए और सिटी जो अपनी देखने में एकदम जबरदस्त दिख रही है गाइस। तो क्या क्या चेंजेस हुए लास्ट टाइम के बाद में वो सब अभी मैं चल के एक्सप्लेन करने वाला हूँ तुमको। तो गाइस सीन ये है कि मैंने सिटी के अंदर ना एक तो जहां जहां पे ट्रीज की कमी पड़ रही थी ना अपने को सिटी के अंदर, वो सब मैंने कंप्लीट कर दी। ये देख लो भाई, यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने फिल कर दिया और अभी देखने में काफी जबरदस्त लग रहा है। ठीक है, हर एक जगह मैंने ट्रीज वगैरह फिल कर दिए। दूसरा, अभी जो रोड बिल्डर था ना अपना, उसके अंदर एक नया अपडेट आया और वो था पार्किंग वाला, कि अपन पार्किंग वाली रोड्स भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के और ऑलरेडी भाई सिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट कर दिया इन सब का। प्लस साथ साथ ये वाला जो सेक्शन बचा हुआ था, ये वाला भी मैंने ऑफलाइन ही फिल कर दिया है, जो कि देखने में एकदम एपिक लग रहा भाई। और अगर नहीं लग रहा ना एपिक तो कमेंट कर देना, और लग रहा है तो भी कमेंट कर देना कि कैसा लग रहा है। तो बेसिकली मैंने ये वाला बस स्टेशन से कनेक्ट करा है और यहाँ तक, तो ये वाले पाथ से मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा है। प्लस अगर किसी को बस स्टेशन पे जाना तो सीधा यहाँ से जा सकते हैं, और ये वाली कम्युनिटी को मैंने यहाँ से कनेक्ट करके और कम्प्लीट वापस से फिल कर दिया है। साथ साथ दो पार्किंग मैंने यहाँ पे दे दिए हैं जिनका काफी अच्छा खासा यूज हो रहा है, और ट्रीज के साथ में तो यहाँ पे एकदम जबरदस्त सेट हो गया है। सिटी स्काईलाइन के अंदर एक अपडेट भी आया था गाइज, और वो अपडेट था ना होमलेस पीपल, ठीक है, इन सब के लिए मोड था, मतलब मोड के अपडेट था जो सिटी स्काईलाइन की तरफ से ऑफिशियल था। तो उसमें ये सब फिक्स हो गया, अभी कोई भी यहाँ पे बंदा जो है वो होमलेस नहीं है, ठीक है ना। मोस्टली जैसे एक बंदा यहाँ पे होमलेस मिला है मेरे को, ठीक है, ये वाला नहीं है, कुछ एक बंदे हैं जो होमलेस है, धीरे धीरे वो सब फिक्स हो रहा है, और मोस्टली जो प्रॉब्लम ठीक हो गई है, ठीक है ना, होमलेस वाले बंदों की। तो अभी यहाँ पे भाई टूरिस्ट आ रहे घूमने के लिए, एंड पहले ऐसा होता था कि जो अपनी आउटसाइड जो बस जा रही है वो ऑलमोस्ट फुल जाती थी, ठीक है, एंड अभी वहाँ पे इतने बंदे बाहर भी नहीं जा रहे सिटी के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे इतने पार्क्स वगैरह थे ना, उसके अंदर बंदे पड़े रहते थे होमलेस वाले, क्योंकि वो बग था तो स्टक हो जा रहा था वो यहाँ पे, तो वो सब फिक्स हो गया है। प्लस अभी टेंट वगैरह यहाँ पे रखे हुए, उन्होंने बोला कि भाई तुम वापस से बिल्डिंग बनाओगे तो शायद ये फिक्स, मतलब उसके बाद ही फिक्स होएगा, ये ऑटोमेटिक फिक्स नहीं होगा, बट मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे रख रहा हूँ। बाकी वो चीज़ थोड़ी रिजोल्व हो चुकी है और अपना प्रॉफिट पे भी अच्छा खासा हो रहा है, $10,000 से $20,000 हो रहा है अपना प्रॉफिट, ठीक है, 7,800 ऑलमोस्ट अपनी पॉपुलेशन हो चुकी है। तो अभी अपन चलते हैं सिटी के अंदर, काफ़ी सीन मैंने सेट करा है, जैसे कि यहाँ पे, तो जैसे एक पार्किंग यहाँ पे है, एक पार्किंग यहाँ पे है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो है पार्किंग्स अभी ऐड हुई है, और यहाँ पे हो चुका भाई भयंकर एक्सीडेंट, ठीक है। मैं तो फटाफट से तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे तीन रोड्स बनाई हैं, तीन तरह की पार्किंग की। तो ये वाली जो रोड है भाई वो 60 डिग्री पार्किंग के हिसाब से है, और जो ये वाली रोड है वो है एकदम 90 डिग्री, ठीक है, और ये वाली है जो 0 डिग्री, ठीक है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस जो बाई डिफॉल्ट रोड होती है उसके अंदर दोनों साइड होता है, ठीक है, बट उसके अंदर मार्किंग्स नहीं होती, इसके अंदर मार्किंग्स भी आ चुकी है। जैसे अगर मैं तुमको दिखाऊँ तो ये देखो थोड़ा सा उतना कूल नहीं लग रहा ये वाला रोड देखने में, ठीक है, भले ही दोनों साइड गाड़ियां पार्क हो सकती है बट कूल नहीं लग रहा। लेकिन अगर अपन ये वाली रोड देखेंगे ना भाई तो ये कूल लग रहा है, हर एक सेक्शन बना हुआ है। तो ये सब बनाया कैसे मैंने, ठीक है, मैं फटाफट से दिखा देता हूँ तुमको। तो अपने को जाना रोड बिल्डर्स पे और कोई भी रोड उठा लेनी, मान लो मैं ये रोड उठा लेता हूँ, एडिट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल अपना साइड वॉक हो गया, और अपन यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अपने को घास फूस रखना कि नहीं रखना, ठीक है, वो सब डिसाइड अपन यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे पहले तो एक साथ ही आ रहा था, अभी उन्होंने थोड़ा सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, एक्चुअली लास्ट टाइम के बाद ना काफ़ी सारे अपडेट आ गए, तो अभी सेक्शन के हिसाब से आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे सारे व्हीकल्स हो रहे हैं, फिर यहाँ पे ट्रैक्स हो रहे हैं सारे, फिर यहाँ पे मेडियन और यहाँ पे एज लेन्स वगैरह, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो अलग से एक पार्किंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो अपन क्या करते हैं इसको उठा कर यहाँ पर ले आते हैं, तो ये वाले सेक्शन पर आ जाएगा, और ये वाला सेक्शन देख लेते हैं एक बारी जहाँ पे अपने को चाहिए भाई मार्किंग, ठीक है, लेट्स सी कौन सी साइड बन, इस साइड बन रही है, तो अपने को इस साइड नहीं चाहिए, अपोजिट साइड चाहिए। पर अब की बार अपन क्या करेंगे इसका ना डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ये लो भाई, ठीक है, ये चेंज हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर पार्किंग वाला ऑन है, तो इसको मैं कर दूंगा इज ऑफ, ठीक है ना, तो ये ऑफ हो जाएगा, भी कोई दिक्कत नहीं है इधर।
बाकी यार ये वाली चीज मेरे को समझ नहीं आई कि भाई अपोजिट साइड क्यों हो रहा है। मान लो मैं यहाँ से हटा दू ये और इधर रख लू तो इस साइड में आ गया बाहर, ठीक है चलो कोई नहीं इस साइड में लो रहा। अपन दोनों भी रख सकते हैं और चाहे तो इनका डिस्टेंस भी कम कर सकते हैं। बस पंगा ही है कि अगर लेन की विड्थ अगर अपने 5 मीटर से कम करी ना तो फिर अपन यूज नहीं कर सकते ट्रीज का। तो ये साइड में अपन ऐसा कर सकते हैं कि 3.5 और 3, एक सेकेंड में 3 पे तो गड़बड़ हो जाएगी यार, इसकी अलाइनमेंट नहीं चाहिए अपने को। तो ये वाला एकदम राउंड पे चल सकता है, जितना अगर अपने को थोड़ा छोटा बनाना है तो वैसा अपन कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ठीक है 5 मीटर पे दोनों साइड वो घास फूस भी आ जाता है, तो ये एक रोड बन के रेडी हो गया यूँ समझ। अगर अपन चाहें तो इस पर 60 डिग्री पार्किंग लगा सकते हैं, ठीक है उसमें वेट तो और इंक्रीज हो जाएगी। 90 डिग्री भी लगा सकते हैं अपन लोग, ठीक है 90 डिग्री ऑल्सो ऑसम अच्छी दिख रही है, ठीक है। इसी तरह से मैंने 3 असेट्स बना के रख लिए हैं, ओके। तो अभी ये वाली रोड बन चुकी है तो मेरे को जाना है भाई इसके ऊपर, ओके। एक्चुअली कस्टम 2 लेन रोड राइट, तो मेरे को ये 2 लेन रोड नहीं चाहिए शायद से, अभी हमने बनाई है तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 3 सेक्शन बना ली और तीनों का ट्राई करा है काफ़ी जगह यूज करने का, जैसे कि यहाँ पे यूज करा हुआ है मैंने, फिर यहाँ पे यूज करा हुआ है। बस इसका ना एक ही पंगा है, जब भी ये दूसरी रोड के अंदर मर्ज होती है ना तो ग्लिच हो जाता है इसके अंदर। आई होप ये आने वाले टाइम में फिक्स हो जाए। अगर आजू बाजू दोनों रोड्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है पार्किंग वाली, बट अगर डिफरेंट रोड फिर एक साइड भी आ गई ना कोई साइड भी, तो यहाँ से ये देख रहा हूँ ग्लिच हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं एकदम सही काम कर रहा है, ये चीज़ फिक्स हो जाएगी आने वाले टाइम में, तो मेरे को काफ़ी कूल लगा। एंड 60 डिग्री के अंदर एक पंगा और भी है कि जो लास्ट वाली पार्किंग बनती है ना वो इसके ऊपर आ जाती है क्रॉसिंग के ऊपर, तो अपन चाहें तो इसको गाइस डिलीट भी कर सकते हैं। तो अपने सिंपल जाना डिलीट वाले मोड पे और ये वाला जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना रिमूव सब एलिमेंट्स, इस पर क्लिक करके और एक सेक्शन हटाना पड़ेगा। तो ये जो टास्क है ये मैन वाली है, अगर अपने को इसके अंदर ओवरलैप नहीं करना है तो ये चीज़ इसमें करनी पड़ेगी यार, ये इनको फिक्स करना पड़ेगा मे बी। तो ये काफ़ी कूल लगा मेरे को। इसके अलावा भी बहुत कुछ है बताने को, ठीक है वो सब मैं थोड़ा बताता हूँ तुमको। ओ भाई यहाँ तक जाम लग गया है, एक्चुअली जाने के लिए मैंने डबल लेन दी हुई है, आने के लिए सिंगल। ये रोड भी मैंने चेंज करा था बाया तो, क्योंकि जब भी रश आवर होता है ना सुबह और शाम के टाइम में थोड़ा थोड़ा जाम लगता ही है, और इतना तो लगना चाहिए यार कोई दिक्कत नहीं है, दिन में नहीं लगता सुबह शाम के टाइम पे लगता है इतना, ठीक है। तो अभी एक रिसेंटली ना एक अपडेट और आया है, जैसे कि मान लो अपन रोड्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है ये वाले तो ये बाय डिफॉल्ट बन रही है, तो बाद में चल के अपन क्या करते हैं अपग्रेड्स वगैरह करते हैं यहाँ से, भाई मेरे को यहाँ बैटरी चाहिए ये चाहिए, ठीक है। तो अभी ना रिसेंटली एक अपडेट आया था और उसके अंदर क्या सीन आया है कि अपन ना पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि जो मेरे को ये रोड बना रही है उसके अंदर मेरे को क्या क्या अपडेट्स चाहिए। तो यहाँ पे आ चुके ऑप्शन कि मेरे को यहाँ पे घास फूस चाहिए ये लेफ्ट साइड में और मेरे को ट्रीज चाहिए क्या, ये मैं पहले से डिसाइड करके और सीधा बना सकता है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और मान लो मेरे को एलिवेटेड बनाना या फिर दोनों साइड क्वेरी देनी है, ये साइड में क्वेरी देनी है मेरे को, तो एक साइड में मैं सिलेक्ट करके बना सकता हूँ। तो ये देखो एक साइड में क्वेरी बन के आ गया, यहाँ पे ऑप्शन आया अलग से, तो मेरे को काफ़ी कूल लगा ये वाला फंक्शन। अभी अपन क्या करते हैं, एक और भी अपडेट आया था तो आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा भाई अपडेट बताने में, ठीक है। बट उतना कूल नहीं है, सिटी स्काईलाइन की तरफ से आया था वो, और वो यहाँ पे लैंडस्केपिंग पे कुछ तो डेकोरेशन का था, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से काफ़ी सारे टैब्स आ चुके हैं, जहाँ पे एक टैब्स है रॉक्स का, तो यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स वगैरह है सिमेट्री वगैरह, फिर नेक्स्ट पार्क वगैरह का ये सब। बट ये ठीक है, मतलब जैसे मान लो इनके अंदर अपन ट्रीज वगैरह लगा सकते हैं, चेयर वगैरह लगानी हो, लेकिन मान लो अगर मैंने ये चेयर बना दी तो कोई इसका यूज़ नहीं करेगा, तो इसलिए मेरे को ये यूजलेस लग रहा है। अगर मान लो कोई डिटेलिंग करनी है ऐसे फेक प्रॉप्स वगैरह बना के, यू नो अच्छा दिखाना है, मतलब बिल्ड मस्त बनाना डिटेलिंग के साथ में, तो वो सब यहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉप्स वगैरह उन्होंने डाले हैं यहाँ पे, देखो गार्ड, ये बंगार गार्ड या बैरियर्स वगैरह, जैसे रेलिंग्स होगी, सेफ्टी बैरियर्स हो गए, ठीक है, ये सब अपन लगा सकते हैं, ये यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। पर अगर तुम लोग ये लगाने बैठोगे ना तो ये लगेंगे नहीं बिना एनर्जी के, पता नहीं उन्होंने क्यों दिया भाई ये, बट एनर्जी मोड का यूज़ करना पड़ता है तभी वो चीज़ काम करती है। तो जैसे कि मैंने ना यहाँ पे लगाया है बैरियर, ये देखो भाई सेफ्टी बैरियर साइड में, ये देखो यहाँ पे मस्त लग रहे हैं। तो इस तरह से अपन चाहे तो डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चेयर रख दी, ये रख दिया है, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर ये प्रोस लगे हुए हैं, तो उसी तरह से ये पार्क वगैरह बनाए हुए हैं, तो अपन बना सकते हैं। बट जैसे यहाँ पे लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इनको कोई यूज नहीं करेगा, तो मेरे को यार ये थोड़ा वेस्ट लगा ये वाला अपडेट। बाकी ठीक है, वो उन्होंने दिया है तो चलेगा। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर दी मैंने, थोड़ा पेंट वेंट करके चलो भाई
अभी ये सब तो हो गया अपडेट्स वगैरह का काम, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, आज अपने को सिटी को यार एक्सपेंड भी करना था ना, ये सब तो चलता रहेगा और जिस हिसाब से रोड्स वगैरह की अपने को जरूरत पड़ेगी अपन बनाते रहेंगे साथ साथ। तो भाई मेरा प्लान तो एक्चुअली था कि अपन इस तरफ एक्सपेंड करें, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार ये वाला थोड़ा सेक्शन बचा हुआ है ना, पहले इसको उठा लेते हैं, क्योंकि ये वाले सेक्शन में ज़्यादा आगे तक वैसे भी अपन नहीं जाने वाले। बेसिकली ये वाली रोड यहाँ पे जाने वाली और ऊपर की साइड से घूमकर इस साइड में आने वाले कहीं पे। एंड साथ साथ मैंने अभी रिसेंटली एक प्लान बनाया था कि जैसे अपन यहाँ पे स्टोन माइनिंग बना के रखी हुई है ना, ये तो ये टेम्परेरी है, क्योंकि स्टोन माइनिंग एक्चुअली ऐसी नहीं होती है, तो अपने को ये थोड़ा तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को डिलीट करके थोड़ा तरीके से बना दूंगा, लेकिन वहाँ पे चलने से पहले एक इमरजेंसी है यहाँ पे, ये अपनी लैंडफिल साइट है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट मतलब फुल होने ही वाली है, तो अपने को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहिए गाइस इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लैंडफिल साइट पड़ा हुआ और यहाँ पे है रिसाइकलिंग सेंटर, और ये 8,80,000 में जो है बन के रेडी हो जाएगा। बाकी इसका प्रोसेसिंग है गाइज वो है 1,500 टन पर मंथ, ठीक है। 80,000 आपके लिए गए, और लैंडफिल साइट कितना लेता है 15,000, मतलब ये हो गया करीब करीब 1,00,000 ही मान के चलते हैं, 1,00,000 के आसपास ही लेगा, बाकी इसके अंदर अपग्रेड्स डालेंगे तो ज़्यादा भी लेगा ये, ठीक है। अगर अपन चलें भाई माइलस्टोन्स वगैरह पे गारबीज पे, और अगर अपन ये वाला प्लांट अनलॉक कर लें, ठीक है, 2 पॉइंट्स लगेंगे, मैं कर रहा हूँ इसको अनलॉक, देखते हैं ज़रा। मेरे को याद नहीं है इसके अंदर कितना क्या लगता है, 1,05,000 की भी ले रही है, साथ साथ 3,000 टन, मतलब उससे ना डबल प्रोसेसिंग है इसका। इसका 80,000 में 1,500 टन ही कर रहे हैं, ठीक है, बट ये वाला कितना कर रहा है 3,000 टन, और इसके अंदर 50 ट्रक्स भी मिलेंगे अपने को। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपन ना ये वाला बनवा लेते, फिर लैंडफिल साइट निकाल देंगे, $1 मिलियन बनेगा अपने पास, $1.5 मिलियन पड़े हुए, तो यार ये वाला इंप्रूवमेंट अपने को करना पड़ेगा। और अब मेरे को देखना है एयर का फ्लो वगैरह किधर जा रहा है, मतलब एयर उस साइड में जा रही है ना, हाँ ठीक है चलेगा, इंडस्ट्रीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को ना ये वाली स्पेशली डिलीट करनी पड़ेगी, वैसे तो यार ये वाला कॉर्नर इसके लिए बेस्ट है यकीन मानो। तो मैं क्या करता हूँ इसको उड़ा देता हूँ, डिलीट मार रहा हूँ इसको मैं, चलो इसके ना लेफ्ट में थोड़ी इतनी जगह भी होनी चाहिए, और मैंने ये यहाँ पे जो है बिल्डिंग बना दी फाइनली, ओके। तो चलो अब फाइनली ये वाले पे जाके मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से ट्रक्स वगैरह एक बारी तो देख लेता हूँ, ये फंक्शन वगैरह करना काम कर दे, जैसे स्टार्ट तो होगी ये वाली बिल्डिंग, एंड इसको मैं जाके क्या करने वाला हूँ, एम्प्टी करने वाला हूँ, स्टार्ट एम्प्टी, ठीक है। अब इसके ट्रक्स आ रहे इधर लेके आने वाले हैं, और वोटर की दिक्कत आ रही है, ठीक है, एक सेकेंड, कितना ज़्यादा इशू कैसे आ गया भाई, 71,000 वोटर, ठीक है, और 71,000 ये वाला, कोई नहीं, फिलहाल के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि टेम्परेरी अपन एक और बना लेते हैं यहाँ पर, डबल रखते हैं, लेट्स गो। ऑल्सो अपने को पंप भी चाहिए, तो पंप तो देखता हूँ मैं कहाँ पर बनाया हुआ है, पंप यहाँ पर बनाया हुआ है, इसके अंदर अपन कुछ कर सकते हैं, 50,000, यस, अपग्रेड डाल देते हैं इसके अंदर, लेट्स गो। जरा देखते हैं पानी और इनका सॉल्यूशन हुआ है क्या, और नाइस हो चुका है, बढ़िया, ये ना बात, तो चीज़ें अपनी थोड़ी देख के करनी पड़ेंगी अपने को बैलेंस, ठीक है भाई। तो ये अपना चालू हो चुका है, वही वाटर फैसिलिटी ओवरलोड है, आओ 99,000, ओवरलोड तो नहीं होनी चाहिए भाई, पैसा वैसा हमने बहुत खर्च कर दिया है। चलो ऑटो सेव हो गया अपना, ये वाली बिल्डिंग ये लो भाई स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे अगर कोई आएगा तो भाई यहाँ से घूम के वापस भी जा सकता है, प्लस पार्किंग भी मैंने यहाँ पे दे दी है स्पेशली। और अगर ऐसा करना है ना, स्टार्टिंग में अपन ऐसा कर सकते हैं कि नॉर्मल रोड भी रख सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे को ये अलाइन चाहिए भाई इधर से देखना पड़ेगा किधर आ रहा है भाई, ये ठीक लग रहा है, ठीक है भाई, गिल्ड के अंदर मैंने कनेक्ट भी कर दिया, और यहाँ से अपनी मस्त एकदम पावर वगैरह सब ट्रांसफ़र हो जाएगी। वैसे अंडरग्राउंड भी कर सकते थे हम, बट ठीक है, थोड़ा कूल लगेगा। बाकी आजू बाजू अपन लोग फ्रिज वगैरह भी डाल देते हैं, ठीक है, ओ भाई गजब चल रहा सीन, ठीक है, खाली होने स्टार्ट हो गया है, इसके अंदर तो भाई दिख ही नहीं रहा कि हैवी कि नहीं, ओके हैवी चल रही भाई ये वाली फैसिलिटी हैवी, तो अपने गारबेज का दिक्कत नहीं आएगा। अभी इंडस्ट्री की डिमांड है, ऑफिसेज की डिमांड है, बहुत डिमांड है अपने पास, तो भाई फिर कंप्लीट करा जाए, थोड़ा थोड़ा सा डिमांड कंप्लीट करेंगे सबका, ऑफिसेज डाल के छोड़ ही देता हूँ, नहीं यार इतने ज़्यादा नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे ना, वो ज़्यादा कूल रहेगा। चलो भाई यहाँ पे ऑफिसेज बना दो, प्लस ये कॉर्नर पे बना दो ऑफिसेज, ये काम करो, ऑल्सो ये वाले सेक्शन को भी रेडी करो इधर से, ठीक है, इसके अंदर आई थिंक सारी डिमांड चली जाएगी, आ जाते इंडस्ट्रीज के ऊपर, और ये सब कंप्लीट करो दो भाई, ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे कंप्लीट कर लो, फिर आई थिंक ये वाला सेक्शन उठाता हूँ, 3 तो 5, ठीक है, और वो हो जाएगा 6 का, ये वाला तो हैवी जान दो भाई। अभी इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर मैंने यार ट्रीज वगैरह फिल नहीं करी, और यार इसका ना एक सीन और भी है, गायब हो जाती है ट्रीज,
पता नहीं मैंने यहाँ पे फिल भी करी होंगी, यहाँ पे कुछ तो गायब है, जैसे ये वाली ट्री गायब हो रखी है। तो यार इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा यार मेरे को कुछ भी। ट्रीज गायब हो जाती है अपने आप ही, फिर मूवी से निकालनी पड़ती है। अब इतना थोड़ा ध्यान रखूंगा कि मैंने कहाँ कहाँ पर ट्री लगाई हुई है। लेट्स गो। तो ये वाला सेक्शन जो अपना बचा होता है ये फिल हो गया। अब आ जाते हैं ये वाले सेक्शन के अंदर, या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं ये वाले सेक्शन को उठा सकते हैं। पहले मैं ये वाले रोड को कंटिन्यू करके लाता हूँ इधर से, और इसको घुमा के इस साइड में लेके चलते हैं। ये वाली चीज अपन पहले रेडी करते हैं। और दूसरा ये वाला जो हाईवे आ रहा है जाने का रास्ता, यहाँ से एक रोड निकालेंगे इसके अंदर भी डालेंगे, और इधर से घुमा के एक रोड अपनी जाएगी यहाँ से होते हुए और इधर। काफ़ी लंबा सीन बनाने का प्लान है थोड़ा सा, देखते भाई कैसे कैसे क्या बनता है, ठीक है। और अब इसी को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा घुमा घुमा के बनाते ना, थोड़ा इधर ले लो इसको। एंड ओए ये वाला कौन सा था, कॉम्प्लेक्स नहीं, ये वाला चाहिए अपने, ठीक है। अब धीरे धीरे करके अपने को हाइट पे जाने का है। हाइट पे कितना जा रहा है, 10 जा रहा है भाई, ये तो सीधा ही 10 बना के देखता हूँ मैं कैसा लगेगा 10 पे सीधा। व्हाट इफ कि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, ओए ये ऊंचा नीचा से कैसे बन रहा है भाई, अब ये आड़ा तिरछा हो गया है, थोड़ा बियर्ड दिख रहा है, बट देखेंगे इसका भी फिगर आउट करेंगे कुछ ना कुछ। ये रोड बिल्डर के अंदर अभी बग चल रहे भाई, क्योंकि जो मर्जिंग मर्ज वगैरह है ना वो सही से नहीं हो रहा है। पता नहीं मेरे को देखने में लग रहा है या फिर ये एक्चुअल में वियर्ड बन रहा है। ये वाली चीज़ बम्प सी लग रही है मेरे को यहाँ पर, आई हैव नो आइडिया। ये चीज़ तो थोड़ी कन्फर्म करनी पड़ेगी, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके बजाय डिफॉल्ट वाले रोड भी ले सकते हैं, उससे काफ़ी बेटर भी बन जाएगा आई थिंक। या फिर यार एक हाईवे वाला ट्राई करते हैं ना यहाँ से, दिस इज ऑल्सो गुड आइडिया। ये आइडिया मेरे को आया नहीं पहले। इतना अपन मान लो ये वाला सेक्शन डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। एक हाईवे बनाते हैं ना, रुको फटाफट से एडिट करेंगे हम लोग। हाईवेज वगैरह ये सब तो अनलॉक नहीं करा हुआ ना, रुको रोड्स पे चलते हैं। हाईवेज अनलॉक करो, लार्ज रोड्स अनलॉक कर लो, इंटरसेक्शन पता नहीं देखना पड़ेगा। इंटरसेक्शंस नहीं, इंटरसेक्शंस तो अपन यूज ही नहीं करते, खैर हाईवे पे आ जाते हैं भाई। फोर लेन हाईवे फिलहाल मैं हाईवे से एक बार रेडी करके देख लेता हूँ, उसके बाद अपन एडिट कर लेंगे हाईवे को, ठीक है। एक नया हाईवे बना के फिर अपग्रेड कर देंगे। तो ये वाला आइडिया ठीक लग रहा है मेरे को। चलो थोड़ा सा इधर चलने का अपने को स्ट्रेट, एंड देन अपने घूमने का 9 9 10 ज़्यादा सही रहा है। बस अपने को यहाँ पे क्वेरी वगैरह बनानी पड़ेगी ताकि थोड़ा कूल लगे, यू नो थोड़ा लगना चाहिए, पहाड़ वाला फील आना चाहिए, ठीक है ना। 10 साइड ठीक है, अभी चलते आ जाओ। अब अपने को ऐसा करना है कि वो प्लस में भी ना जाए और माइनस में भी ना जाए, ठीक है। एक बार बना के देख लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे डाल लिया मान लो मैंने, क्या ये वर्थ इट है भाई, होना चाहिए यार हाईवे तो, है ना, हाईवे होना चाहिए गाइस, हाईवे होना चाहिए भाई। अब इसके बाद जाके एंड यहाँ से घूम फिर के अपन लोग वापस जाएंगे इस साइड में। ब्रो गजब है यार ये तो सीन, है ना, ऐसा होना चाहिए भाई, दो चार हाईवे होने चाहिए। पर अपन इसमें ना अपग्रेड दे देंगे, एक वो कर देंगे, वैसे तो बस इसके ऊपर से जा ही सकती है, अलग से रोड देने की जरूरत नहीं है। देखते फिर कुछ आइडिया आएगा, या तुमको कुछ आइडिया आ जाए तो बता देना मेरे को, फिलहाल तो मेरे को कोई ऐसा आइडिया आ नहीं रहा। इसको मैं कर लेता हूँ 0, और कॉम्प्लेक्स करो का यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। एंड ये वाला फिर भी चल जाएगा शायद, ठीक है ना, ये क्रॉस करके आ जाएगा इस साइड में। ओके मेरे हिसाब से चल जाएगा यार ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जंक्शन काम तो करेगा। विल सी। चलो अभी नेक्स्ट टास्क करना है मेरे को क्या, ओ ये वाला सेक्शन लेके जाना इधर की साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रोड्स हो जाएंगे अपने पास, तो कोई बात नहीं यार, मेरे को उधर का मिलेगा कुछ डायरेक्शन, उधर का कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा। बाकी ये सिंगल तो नहीं रखने वाला हूँ मैं, इसको कर देता हूँ भाई डबल। लेट्स ट्राई, चलो ये मैंने डबल डाला है आपकी बार। पता नहीं बसेज तो शायद ये वाले का यूज करेंगे, मैं पता नहीं यहाँ से जा सकती है यार बसेज, उनके लिए शॉर्ट पड़ेगा एक्चुअली। आ जाओ अब अपने को चलना है गाइस नेक्स्ट। यहाँ से हम लोग लेके जाने वाले रोड, एंड ये वाली रोड अपनी रहेगी दोनों साइड ट्रीज वाली, सब हटा दो। यहाँ से लेके जाने वाले अपन फ्लड्स,
और ये लोग तो मस्त हो गया ठीक है। और यहाँ पे जो ये वियर्ड से बन रहा है ना, इसको भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी आगे जाके वो दो में कन्वर्ट हो रही है रोड, तो इसको ठीक करो भाई। एंड यहाँ पर ये वाला जंक्शन यहाँ से ठीक हो गया है अब एकदम, ठीक है ना। ये वाले रास्ते का मैंने यूज करके यहाँ से एग्जिट भी करवा सकते हैं और इन भी करवा सकते हैं। अब ये वाला सीन मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि यहाँ पे मैं थोड़े से ना हाउसेज वगैरह भी बनाने का मेरा प्लान है, और वैसे अगर अपन चाहें तो छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे, बट देखते हैं शायद मैं बना दूंगा यहाँ पे। बाकी अपन चलते सर्कल पे, और क्या एक बड़ा सा सर्कल लगा दूंगा यहाँ पे, छोटा वाला चल जाएगा वैसे ठीक है। पर ये देखो ट्रक भी आ रहा है यहाँ से, एंड साथ साथ यहाँ से भी अपन क्रॉसिंग ले लेंगे। ओ भाई जो कि बिल्कुल भी सही नहीं बना गाइस, ठीक है। इस साइड से तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं चलने वाला ये। इधर भी सेम टू सेम अपने को वैसा ही करना पड़ेगा, सेम टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। ओके हाँ एक सेकेंड, इसके अंदर ये भी तो आया है कॉन्स्टेंट स्लोप वाला, हाँ इसका ट्राई करके देखते ना भाई। वन क्लिक, ओ दिस इज गुड गाइस, लेट्स गो। ये मैंने देखा तो था बट अभी अभी याद आया मेरे को। स्लोप का यहाँ पे यूज करते हैं और एकदम मस्त बना सकते हैं स्लोप का यूज करके। परफेक्ट, चलो। एंड साथ साथ अब मैं ये हाईवे को थोड़ा सा आगे ले आता हूँ इस साइड में, और फिर इस वाले रोड को घुमा के हाईवे के अंदर और कनेक्ट करना है मेरे को, ठीक है। इतना टास्क करते हैं, उसके बाद अपन थोड़ा सा बिल्ड वगैरह करेंगे चल के। यहाँ पे मैंने ये वाला सेक्शन भी उधर कनेक्ट कर दिया है, और अभी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें जो है मिसिंग है, उनका भी इम्प्रूवमेंट करना तो बनता है। यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ये सब, यहाँ से निकालो भाई, इधर ज़रूरत ही क्या पार्क करने की, राइट। इधर पार्क करने की ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, क्योंकि ये मोड़ का पंगा है, तो इसको यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। नहीं नहीं इसको ही रखता हूँ, हमें डन सीन। क्या ये वाला बिना एनर्जी हो जाएगा, एक सेकंड, पर नाइस। चलो ये देखो, इधर मैंने तरीके से थोड़ी पार्किंग भी बना दी है, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ यार 90 डिग्री वाली बना दूँ, एंड ये वाली में ज़्यादा पार्किंग हो सकती है वैसे, बट 90 डिग्री वाली ऑल्सो गुड। इधर 90 डिग्री वाली रखते अंदर की साइड, ठीक है। ये वाली ठीक लग रही है, ये देखो गाड़ी भी तरीके से पार्क हो गई है, और देखने में भी कूल लग रहा है। इसके बीच में वैसे चाहे तो कुछ पार्क वगैरह लगा सकते हैं हम लोग, काइंड ऑफ डेकोरेशन हो जाएगी। ओ भाई ये गोला बना दूँ ये इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट अपने को करना पड़ेगा, और ये वाला पार्क इसके बीच में फंसा सकते हैं हम लोग। आइडिया मेरे को पसंद आया। ओके तो अभी अपने को ये वाली रोड जो है ना थोड़ी शिफ्ट करनी पड़ेगी, एंड इसको अपन पकड़ के थोड़ा इधर खींच लेते हैं, लगभग लगभग पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, उसके बाद है अपनी 90 डिग्री वाली, तो 90 डिग्री वाले को इधर उठा लाते हैं थोड़ा सा, एंड आई थिंक ये परफेक्ट हो गया। ये लो भाई, यहाँ पे अपना पार्क भी बन गया, और प्लस साथ साथ अपना बस स्टैंड भी हो गया, ठीक है ना। और इसके आजू बाजू अपनी पार्किंग्स वगैरह भी हो गई है, तो ये वाला काफ़ी जो अच्छा सेट हो गया। अब अगर कुछ अपने पास ऐसी बिल्डिंग हो ना कि यहाँ पे आ जाए, बट मैं को यहाँ पे नहीं डालना, यहाँ पे छोड़ देते हैं,
इसके बीच में यार हाउसेस बनाऊं क्या मैं यार? नहीं बनाऊं ठीक है। अरे यार ये तो कंफ्यूज कर दिया मेरे को। लेकिन यहाँ पे अपन एक छोटा सा टाउन वगैरह बना सकते हैं शायद, छोटा सा टाउन बनाएंगे अपन लोग यहाँ पे। एंड ये वाला रोड उठाओ, थोड़ा सा अपडेट मतलब अपग्रेड कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। जैसे कि यार ये वाली चीज़ें तो मैं छोड़ ही देता हूँ, है ना, ये वाली चीज़ें छोड़ देते हैं, शायद बाद में देखने में कूल लगे, राइट। बट इसके बीच में तो बना ही देता हूँ मैं थोड़े से हाउसेस वगैरह, ठीक है। इतने चल जाएगा यार, यहाँ पे तो चल जाएगी मेरे हिसाब से हाउसेस ये वाले सेक्शन के अंदर। ओके इसमें अपन अगर दिक्कत आएगी तो मेरे को बता देना, ठीक है, मतलब बाद में अपडेट कर देंगे नेक्स्ट वाले में। चलते हैं यहाँ पे, एक-एक चीज सेट करनी पड़ रही भाई ध्यान से, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि हाईवे है ना, तो हाईवे थोड़ा दूर रहता है, ठीक है। ये लो इधर, एंड उसके बाद में मैक्स ज्यादा से ज्यादा हम लोग कहाँ तक जाएंगे? ये वाला सेक्शन के अंदर अपन जाके अभी हाउसेज वगैरह बनाने वाले, प्लस हाँ एक तो अपनी जो हॉस्पिटल थी ना ये वाली फुल चल रही है हॉस्पिटल, तो अपने को एक हॉस्पिटल और चाहिए, ठीक है। तो हॉस्पिटल के अपने क्या करना पड़ेगा कि इस साइड के लिए ना एक वो देना पड़ेगा, ये वाली सेक्शन से हॉस्पिटल निकाल के ये वाले सेक्शन में डालनी पड़ेगी एक बड़ी हॉस्पिटल एट लीस्ट। तो यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, और ये वाला मेडिकल क्लिनिक है ना जो, इसको उठा के यहाँ पे बनाता हूँ मैं एकदम यहाँ से। चलो ये अपने पास मेडिकल क्लिनिक आ चुका है, तो ये वाले क्लिनिक को मैं उठा के और ये वाले एरिया के अंदर ले आता हूँ यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। उधर से पेशेंट सोचेंगे भाई ये हो क्या आ गया एकदम से, समझ में नहीं आया उनको एकदम से हॉस्पिटल कहाँ चली गई, हॉस्पिटल में यहाँ पे डाल दी, क्योंकि यहाँ पे अभी अपन बनाने वाले हाउसिंग भाई। और हाउसिंग यहाँ पे कैसी चाहिए तुम लोगों को यार? ये वाली ठीक लग रही है मेरे को, हाउसिंग ठीक है, नॉर्मली नॉर्मली चल जाएगी अपनी हाउसिंग, तो वाटर फ्रंट वाली रख सकते हैं अपन, दोनों ही चल जाएंगे वैसे देखा जाए तो। अब ये काफी हैवी एरिया रहेगा, तो मैं काम करता हूँ उसमें रो हाउसिंग बनाने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं कैसे सेट बैठती है यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी सी रो हाउसिंग भी बनवा देते हैं। चलो भाई बनाओ जरा रो हाउसिंग यहाँ यहाँ पे, अब देखी जाएगी काफी ज्यादा डाल दी भाई मैंने, रो हाउसिंग कैसी लगेगी वो देखना पड़ेगा। ओके अभी इन सब के अंदर ये फिल कर देता हूँ मैं, और ये क्या इससे कर देता हूँ फिल, अब इधर जो बनना है बनो, ठीक है ऐसा रख लेते हैं, इसके अंदर बन जाओ फ्रंट पे। अब इन चीज़ों को अपन रेडी करते हैं, बाकी साथ साथ छोटे छोटे से हाउसेस अपन चाहे तो इधर डाल सकते हैं, बट तो मैं सोच रहा हूँ इधर ना ही डालो, इधर ना ट्री डाल के फिल करूंगा इन सब। तो मीन वाइल जब तक ये सब रेडी होता है अपना, मैं इन सब के अंदर ना ट्री फिल कर देता हूँ फटाफट से। तो लेट्स गो। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे फाइनली ट्रीज वगैरह लगा के रेडी कर दिया, और अभी देखने में एपिक भी लग रहा होगा तुमको, ये देखो भाई गजब लग रहा है यहाँ से सीन, सीधी यहाँ पे रोड जा रही है और ये घुमाओ एकदम मस्त जा रहा है, और इसके नीचे से भी अपन ने एकदम सब कुछ बना के सेट कर दिया है, प्लस इन सब साइड में मैंने ट्रीज वगैरह फिल कर दी। तो अभी देखने में जो नज़ारा है ना वो वाइब वो अलग ही आ रही है। साथ साथ मैंने यहाँ पे भी एक पार्किंग दी है, और ऑल्सो यहाँ पे भी एक पार्किंग दी है मैंने, प्लस यहाँ पे कोई शॉप्स वगैरह नहीं है, तो मैं सोच रहा था यार हॉस्पिटल के आगे ना दो चार शॉप्स खोल दूँ मैं, तो कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से ये वाला आइडिया खतरनाक होना चाहिए। बाकी अभी आस पास ना थोड़ा सा रोड के मेरे को बैरियर्स और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो साउंड का इशू आ सकता है स्पेशली। तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, मार्केट टूल का यूज करना पड़ेगा, जे वाले पे बन जाए ज़्यादा बेटर, बट मेरे को लगता नहीं यार वहाँ पे बनेगी शॉप्स, नो इस साइड में बन रही है इसलिए उस साइड में बन जाते तो ज़्यादा बेटर होता, ताकि ये साइड में लोग आराम से पार्क वार्क कर सकते थे। और वैसे तो यार इसके बीच में भी पार्किंग वाली रोड आ सकती है ना अपनी, वो तो मैं भूल ही गया हूँ एक्चुअली, 90 वाली अपग्रेड कर देने जा रहा है ये वाली इधर। ओके हाँ ये ठीक है, इधर अभी पार्क करके ना और फिर जा सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाला आइडिया ज़्यादा कूल रहेगा। यहाँ पे दो शॉप्स खुलवाई मैंने,
ये वाली कम्युनिटी के लिए। अभी चलते हैं अपन कि ये वाला जो हाइव है ना, इसके साउंड बैरियर्स वगैरह लगवा देते हैं। तो इधर चलते हैं, और ये क्या है, साउंड बैरियर या अलर्ट्स को। तो भाई बात ऐसी है कि ये वाली जो रोड जा रही है इधर, एंड मेरे को लग रहा है एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे भी चाहिए अपने को, प्लस ये साइड से भी चाहिए। एनर्जी लगा के बना सकते हो उसको, दिक्कत नहीं है, बट देखता हूँ मैं बिना एनर्जी कितना बनता है और एनर्जी से क्या फिर। ठीक है, इधर का ये डन हो गया। इस साइड में अपने को लगाने की ज़रूरत है नहीं वैसे बैरियर्स, बाकी जे वाले रोड पर तो वैसे ही नहीं लगेंगे बैरियर। ओके, तो हाईवे की साइड से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कुछ एक ट्रीज है जो बाहर निकल रही है, मैनुअली सरकानी पड़ेंगी, जैसे एक ये वाली है और एक ये वाली। चलो गाइस, आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा सेट हो गया, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन भी हो गई हैं आज। प्लस इस एरिया के लिए मेरे को सजेस्ट कर देना। वैसे तो यार यहाँ पे छोटा सेक्शन अपन बना सकते हैं इधर के लिए भी, बाकी यहाँ पे बसेज आ रही हैं तो इन लोगों को काफ़ी दूर तक आना पड़ेगा भाई पैदल, या फिर इनके लिए ना कुछ ऐसा बनाते हैं कि यहाँ से ये लोग चढ़ेंगे और इधर पहुँचे सीधा बस के लिए ना पैदल, एक डायरेक्ट राउट देते हैं इनको ना। यार पता नहीं वो इतना वियर्ड लगेगा क्या, मेरे हिसाब से वियर्ड लगेगा वो वाली चीज़। हाँ अपन ऐसा करते हैं ना, बस पे एक बार घुमा देते हैं इस साइड से, वो चीज़ मेरे को काफ़ी बेस्ट लग रही है। जैसे बस यहाँ से होके जा तो रही होगी शायद, एक सेकंड, यस बस वापस ही जा रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। एक सेकंड रुको, ये वाला टास्क भी अपन कर ही देते हैं। तो ये वाला स्टॉप एक्चुअली अपने को यूज में लेना पड़ेगा, तो मैं करता क्या हूँ, बस को रोकता हूँ इधर। ठीक है, अब चलते हैं लाइन पर। तो भाई बात ऐसी है कि ये वाली बस जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर रुक के आएगी ये वाली बस यहाँ पर। ठीक है, ये वाली स्टॉप पर रुक के और फिर वापस जाएगी, वापस ही चली जाएगी ये तो ना। तो अपने को एक बार रोकनी भी पड़ेगी अपोजिट साइड, इधर ही रोक लेते ना एक बार, और रोक लेते हैं इसको। ठीक, तो इसको कर देता हूँ मैं सेंटर थोड़ा सा, ताकि थोड़ा ठीक लगे। प्लस इसके अपोजिट साइड एक और रख लेते हैं, एंड जो जाते वक्त रास्ता है उसको भी लेके आते हैं, ताकि बस यहाँ से होते हुए जाए। ठीक है, मान लो अगर इधर के लोगों को काम करने आना है तो यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज और शॉप्स वगैरह वो सब भी अपन खोल सकते हैं कर आगे थोड़ा एक्सपेंड करके, बट वो सब अपन रखेंगे इस नेक्स्ट वाले एपिसोड के लिए। वैसे अपन ने काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर दिया आज, बाकी इसके अलावा कुछ सजेशन हो तो मेरे को दे देना। ठीक है, एंड यहाँ पे अपनी हॉस्पिटल कैसी चल रही है, हाँ ये वाली अभी ठीक हो गई है। ओके, प्लस मेरे को जाके ये वाली हॉस्पिटल और चेक करनी है, 5 पेशेंट्स अभी। आई थिंक हॉस्पिटल का सीन सेट हो जाना चाहिए अपना। ठीक है, बाकी देखते हैं। और एलिमेंट्री स्कूल्स वगैरह का क्या सीन चल रहा है भाई अपना, इधर एलिमेंट्री स्कूल अपने फुल पड़े हुए, आओ एलिमेंट्री स्कूल फुल है गाइस। ठीक है ना, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, भाई वो सब तो अपन ने दिया ही नहीं अभी तक, वो सभी बनाना बाकी है। ओवरलैपिंग, क्या ओवरलैप हो रहा है, अच्छा इधर का ओवरलैप हो रहा है, कोई बात नहीं, लेट्स गो। एक तो ठीक है, ओए ये सीन है, इधर का कह रहा पाथ ही कनेक्टेड नहीं है भाई, वाह 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 यार ये क्या सीन है भाई, डूड्स नो पेडेस्ट्रियन एक्सेस, ओ व्हाट द है। अच्छा मेरे को पहले बिल्डिंग निकालनी पड़ेगी, अरे यार ये वाली बिल्डिंग सब निकाल दो, एंड ये सब डिलीट कर दो। ओके, इसके अंदर ही बनी पड़ी थी। ठीक है, ओके, लेट्स गो अगेन। तो इस अंदर मेरे को एक और चाहिए, ये नाइस। वैसे यहाँ पे अपन ट्रिपल ले सकते हैं, 700 कैपेसिटी मैंने यहाँ पे कर दिया। बाकी रही बात एलिमेंट्री स्कूल की, तो एलिमेंट्री स्कूल यार इधर के लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, प्लस अगर इधर के लोगों को आना है ना तो इनके लिए काफ़ी बड़ा रास्ता है, तो इनके लिए एक पाथ भी कनेक्ट करता हूँ मैं, एक पाथ यहाँ से घूमता फिरता इस साइड के लिए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक पाथ और कनेक्ट करेंगे अपन, तो वो सब भी रख सकते हैं हम लोग। यार एपिसोड काफ़ी बड़ा हो जाएगा वैसे अपना, ठीक है मेरे को मत बोलना एपिसोड बड़ा हो गया, बाकी मैं बना देता हूँ। और लेट्स गो,
तो गाइस यहाँ पे मैंने ये वाला पाथ बना के एकदम रेडी कर दिया है। ये वाला मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा था ना, तो गेम ही क्रैश हो गया था। तो मूवीट की वजह से ना बार बार, कई बार मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि गेम क्रैश हो जाता है, तो मैंने वापस से बना दिया। और अब की बार ऐसा करा है मैंने, थोड़ा ना हाइट लोअर रखी है। और ये देखो यहाँ से बंदों ने मतलब आना जाना स्टार्ट कर दिया है। तो एक तो मेरे को यहाँ पर दिख गया भाई, जो ये रास्ते का यूज़ कर रहा है, दूसरा ये आ रहा है। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं रास्तों का, तो ये अच्छी बात है एक्चुअली देखा जाए तो, कि काफ़ी ज़्यादा बंदे यहाँ पे यूज़ करने वाले ये वाले रास्ते को। और इसके अलावा हम लोग और क्या इम्प्रूवमेंट यहाँ पे ला सकते हैं? इम्प्रूवमेंट तो अपन लाएंगे ज़रूर, लेकिन वो लाएंगे अपन नेक्स्ट वाले एपिसोड में। बाकी ये वाले एपिसोड में गए इतना ही। आई होप आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। और भाई पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए Bye-bye and enjoy.